मिक्स आर्किटेक्चर यूज़ करते थे पुराने ज़माने के, उनके राजा लोग जैसे हिंदू मुस्लिम सारे साथ में करके किलों को बनाते थे जिससे शैली सुंदर था। एग्जाम्पल के तौर पर ये स्क्वायर विंडो है जो अपने हिंदू राजपूत में मिली राजपूत डिज़ाइन है जो मून के हिसाब से आज से बने मुस्लिम आर्किटेक्चर है। जो क्लाउड डिज़ाइन के ये दरवाजे जो डिज़ाइन देख रहे हैं ये दरवाजे आर्किटेक्चर है, मिक्स आर्किटेक्चर मतलब हर जगह की अच्छी अच्छी चीज़ें। हाँ, क्योंकि काम करने वाले लेबर जो भी होते हैं वो सारे मिक्स करते थे, उसमें से ये नहीं था कि इन्होंने मुस्लिम जैसे सारे साफ काम करते थे और सबकी हाथों की कला अलग होती थी। तो आर्ट फैमिली जैसे मुस्लिम लोग हैं जो एनीथिंग अलाइव यूज़ नहीं करते थे, जैसे फिगरेटिव नहीं बनाते थे, हिंदू फिगरेटिव ज़्यादा बनाते थे। तो ये मिक्स कला एक सुंदर आती है, वो फूल पत्ती आप देखोगे दर्शा देगा, उसमें पक्षी बना दिए, बर्ड्स बना दिए, हिंदू देवी देवता की मूर्ति बना दी। तो ये हिंदू आर्किटेक्चर करता फूल पत्ती मूर्ति बनाते, तो सारा मिक्स आर्किटेक्चर। पुरानी जितनी भी मूवीज देखें शूटिंग हो रही थी लैला मजनू ताज महल सब लिए बहुत सी मूवीज की शूटिंग हो रही थी। अब आइए हम लोग अंदर से दिखाते हैं आगे। ये तो रैप देखते हैं, ये टिपिकली घोड़ों के लिए काम लेते हैं, राजा घोड़े लेके आते हैं तो घोड़े स्लिप नहीं हो सकते, इस टाइप पे ये स्टेप डालते हैं और मिट्टी के नहीं नहीं ऐसे पत्थर के, और ये बीच में जगह छोड़ देते हैं पानी के लिए। देखिए खूबसूरत आर्किटेक्चर यूज किया उन्होंने, बारिश के हाँ बारिश डेली सफाई होती है पानी से, तो पानी रुकता नहीं बह के नीचे चला जाता है, जिससे ये स्टेप है जो डैमेज नहीं होती पत्थर। लेकिन पब्लिक के लिए मंदिर अलाउड है, और ये जाल लगा देख रहे हो ऊपर, ये गंगा सिंह जी के टाइम का है, 100 साल पुराना कबूतर पक्षी है, जिन्होंने गंगा नगर बसाया था गंगा सिंह जी, उन्होंने ये नेट किया। ये कर्टन सभी लगा रखे 10 साल पुराने ट्रस्ट के लोगों ने लगाई ताकि कबूतर उनके अंदर नहीं आए, लेकिन बहुत जगह रोकने के लिए दिल्ली में भी बहुत जगह देखे। हाँ, ये इस किले का बहुत ही खूबसूरत और सबसे बड़ा चौक है, इसको होली चौक बोलते हैं। राजा महाराजा यहाँ रहते तो होली खेलते थे, जैसे टैंक के बीच में राजा बैठ जाते, टैंक को पानी से भर के रखते, खास लोग टैंक के चारों तरफ से खड़े हो जाते, कलर और पानी फेंक के होली खिलाते थे। लेडीज में घूंघट पड़ता थी तो बालकोनी में खड़ी होती, छत पे खड़ी होती, वहाँ से पिचकारी के द्वारा होली खेलती थी। तो टिपिकली होली सेलिब्रेशन के लिए इसको काम में लेते थे। ये पुट्टी वाला काम सारा दोबारा करवा रखा है 10 साल पहले, जो पेंटिंग का काम आप देखते अभी भी फिनिश नहीं है बॉर्डर का, तो काम चलता रहता है। बीकानेर के जो 21वें राजा थे गंगा सिंह, वो सबसे मॉडर्न राजा थे क्योंकि उन्होंने सिटी का विकास करवाया, जैसे रेलवे 1891 AD के अंदर ट्रेन लेके आए, 1914 इलेक्ट्रिसिटी, और 1927 के अंदर गंग कैनाल जो आज भी विजयनगर तक चलती है, तो पंजाब से राजस्थान के लिए पानी, उससे पहले पानी की बहुत किल्लत थी। तो गंगा सिंह जी को कलयुग का करण भी कहते हैं और इसको भागीरथी भी कहते हैं कैनाल को, जो गंग कैनाल लेकर रेगिस्तान के अंदर पानी। तो तीनों की पेंटिंग बना रखी गंगा सिंह क्या काम कर रहे थे, पहली पेंटिंग ट्रेन की सेकंड वाटर कैनाल की, तीसरा द्वारा कैनल पावर हाउस। तो तीनों काम गंगा सिंह ने किए। तो अपने किस साइड जाएंगे
ये जो ब्लू कलर की टाइल देख रहे बाहर से लेके आए थे किला वो भी ऑनलाइन ऑनलाइन हाँ जब भी बाहर जाते हैं कुछ ना कुछ लेकर आते हैं किसी ऑनलाइन की टाइल ब्लू पहले जगह है जल वहाँ से लेकर ठीक है राजा अब आप देखो इधर ये वाइट मार्बल का बना हुआ वाटर टैंक है यहाँ पर राधा देखिए बहुत ही खूबसूरत ये करण महल महाराजा करण सिंह जी ने इसको बनवाया था 1631 यूज लेते थे एज ए पब्लिक ऑडियंस हॉल दीवाने खान के तो सामने वो सिंहासन देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है चांदी का बना हुआ सिंहासन है और दस सिंहासन के ऊपर देखिए पंखा है जमाने का कपड़े और लकड़ी का बना कूलिंग फैन होता था इसको लोग कूल करके बाहर बैठे इसको पंखे वाला कहते हैं अंदर की जो सीलिंग है सारी वुडन है थिक वुड यूज की गई है तो पूरे किले के अंदर कौन सीलिंग यूज करते थे जो हम लोग आज के टाइम पीओपी की यूज कर रहे हैं उस जमाने का तो लकड़ी की यूज करते थे तो इंसुलेटेड किया गया ताकि गर्मी के अंदर ठंडा और सर्दी के अंदर ये गर्म रहता है खूबसूरत कार्पेट यहाँ का लोकल हैंडीक्राफ्ट है लगभग 115 साल पुराना है जिसमें छोटा पसी का काम है और ये खूबसूरत पेंटिंग का काम सबसे जो देख रहे हैं लगभग 250 साल पुराना है सारे नेचुरल कलर यूज किए गए साथ ही ऐसे कैसे हाँ से प्रोटेक्शन करो पानी से तो ये ऐसी चीज रहते हैं तो नेचुरल कलर पिगमेंट कलर और गोल्ड लीफ का काम है कभी भी रिटच नहीं है ग्लास इसीलिए लगाया 10-12 साल पहले गोल्ड है गोल्ड लीफ है सोने का वर्क जो होता है ना उसका काम है तो इसी प्रोटेक्शन के लिए इनको ग्लास कवर किया गया ताकि लोग पेंटिंग को हाथ में लगे पहले ये 10-12 साल पहले आते तो खुला था क्योंकि नंबर ऑफ पर्यटक कम आते थे अभी नंबर ऑफ पर्यटक आते हैं तो लाखों के अंदर तो जल्दी डैमेज होने हो इसीलिए इसको कवर किया गया इवन जो वॉल की पेंटिंग देख रहे हैं ये भी सारा हैंड पेंटेड है आपको देखने से लगता है जैसे इनले ताजमहल के अंदर जो काम होता है लेकिन ये सारा हैंड पेंटेड है एल्यूमिनियम की फ्रेम डाल के इसको ग्लास से पैक कर दिया जिससे अंदर नमी नहीं जाती इसीलिए चांदी है तो काली नहीं पड़ी तभी मैंने कहा और ये खूबसूरत मोजाइक देख रहे हैं ये सारी इटालियन टाइल्स है इटली का एक आइलैंड है सिसिली तो महाराजा गंगा सिंह जी 1910 के अंदर सिसिली से इम्पोर्ट करके लेके आए तो लगभग 111 साल पुरानी टाइल इस दिल्ली का थर्ड नंबर कोर्टयार्ड है यूज लेते थे जिस सेरेमोनी प्रोग्राम के लिए डेली इवनिंग कल्चर प्रोग्राम होता था लेडीज लोग ऊपर स्पेशली चौरंगों से देखते थे नंबर ऑफ चौरंगे नहीं क्योंकि राजाओं के नंबर ऑफ रानियां होती थी उस टाइम पे किसी के 5 किसी के 10 तो देखते वक्त आपस में झगड़ा नहीं होता तो सबके लिए सेपरेट विंडो बना रहे हाँ और ये विंड के साथ में ये बेडरूम्स भी बने हुए थे जैसे बेडरूम के आगे बालकनी झरोंगा किसी बेडरूम और ये जो काम है कुर्सी का ये सारा 10 साल पहले इसको दोबारा रिनोवेट किया गया तो दोबारा और वाइट और ये सब जो जाल लगा देखिए ये प्रकार की जी के टाइम का है तो लगभग 110 साल पुराना जाल है ताकि कभी के पक्ष से बन गया का बहुत ही खूबसूरत दरवाजे हैं जो प्री कोविड से पहले जितने भी एक किस्म भगवान और राधा के दरवाजे हैं ये एक समय के अंदर रेनोवेटेड हो रखे हैं लगभग 1 साल पुराना आप लोग बताते हैं जो काम वाला है लेकिन सीलिंग और सीलिंग के बॉर्डर का जो काम है ये ओरिजिनल है अबाउट द हिंदू जैपिक स्टोरी से देख रहे हैं आप
का है ये पहले ये नरसिंह भगवान के राम का वध करते हुए भगवान राम उस साइड में गोवर्धन को तो कहते हैं कि भगवान ये सारी महाभारत रामायण की स्टोरी देखता है ये देखना सारे कृष्ण भगवान के दास होना है कोई स्टोरी नहीं है और ये सूर्य भगवान की मूर्ति सिंगल पीस मार्बल का बना हुआ ये स्टैचू है तो सूर्य वंशी के राजा सूर्य भगवान की पूजा करते हैं पेंटिंग का काम दोबारा होता है बहुत ही खूबसूरत स्टैचू भगवान सूर्य भगवान ये तो आता की मूर्ति हाँ मार्बल का सिंगल पीस सात घोड़े जो देख रहे हैं आप रिप्रेजेंट करते हैं सेवन डिफरेंट कलर एक ही पत्थर है पूरा हाँ सिंगल पीस राशि के संतोष की वजह से देख रहे हैं स्पाइसी मीन राशि का
लेडीज फेस देखेंगे यहाँ पे, वर्ग ऑफ इंडिया रांची का है उधर सेकंड लास्ट ही हो, ये एक तरह की मिलिट्री का अवार्ड है, रॉयल इंसिग्निया आप भी कहते हैं, सवारी निकलती है इसके ऊपर, ये मिले हुए हैं उनके पास ईरान और इराक के अंदर चलते थे पानी प्राची को। ये इस किले का सबसे खूबसूरत पार्ट है, देखिए अनूप महल दसवें राजा अनूप सिंह जी ने बनाया था, दीवाने खास के लिए काम मिले थे। ये जो काम देख रहे हैं नक्काशी का, ये सारा गोल्ड का काम है, तो ये लगभग 80 किलोग्राम 80 किलो सोना लगा हुआ इस काम के अंदर, नंबर सारा रियल सोना है और नंबर ऑफ ग्लास यूज करते थे दीवार के साथ छत के साथ, ऑयल लैंप यूज करते हैं जिससे रिफ्लेक्शन होगी रोशनी ज्यादा और इसलिए ग्लास का ज्यादा यूज करते हैं। और खूबसूरत ये कारपेट देखो आप, ये कारपेट जेलों के अंदर बनाए जाते थे, जेल के कैदी लोग आकर से बनाते, तो लगभग 120 साल पुराने कारपेट है। और ये पिलर जितने भी देख रहे हैं मार्बल के बने पिलर, और खूबसूरत दरवाजे जो देख रहे हैं आप, लकड़ी का दरवाजा है कश्मीर से लेकर अखरोट के लिए एक जने को छोड़ के लेफ्ट वाला जो बैठा है बाकी सब आपकी तरफ ही देखते हैं, लेफ्ट वाला इधर देख रहे हैं बाकी सब, और रियलिस्टिक जगह आपको सभी वो ऐसा बना रखा है। ये सारा रेनोवेशन है मिशन की लोबी ने किया, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बादल बने हैं, रेगिस्तान में कभी कभी राजा लोग संगीत के लिए वीणा बजाते हैं सितार बजाते हैं, तो संगीत का आनंद लेने के लिए मौसम का होना भी जरूरी होता है, तो यहाँ बारिश कम होती थी और उनको बारिश का मौसम ज्यादा पसंद था, उन्होंने इमेजिनेशन की बादल बहने बना दे, जैसे बादलों की पेंटिंग लाइटिंग और नीचे बारिश होते दिखा रही थी, तो इसी को देख कर सजा दे और इमेजिन करते थे कि कैसे कैसे बारिश हो रही है। और ये उस जमाने का एक कूलर है देखिए आप, बिना बिजली का ये वाटर टैंक का पानी भरते हैं इसके अंदर, ये रेगुलेटर था पानी को खोलने का, इस लाइनिंग में से पानी की ड्रॉपिंग होती है बूंदे नीचे गिरती, और सब में जो रिंग्स है उसको टॉप के लगा रखे थे हाथ से जाने वाले जिससे हवा लगती महल है तो ठंडा होता, तो ये एयर कूलर का काम करता, पानी नीचे गिरने का सामने जैसे आता है जैसे रियल में बारिश हो रही है तो फीलिंग आ जाती और पानी यहाँ से बाहर चला जाता है, उसकी रिजल्टिंग सिस्टम बना रहता है, और पुराने टैंक का है जिससे पानी बाहर चला जाता है, और ये खूबसूरत पुराने वीणा और सितार है बीच में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति है गोलकुंडा से लेके आए थे हैदराबाद।
छोटा सा स्क्वायर देख रहे हैं तो बीच में जगह बना रखी है, जस्ट अपने अपोजिट डी के सामने वो रेड फ्लैग लगा हुआ बिल्डिंग है, और नेक्स्ट बिल्डिंग देख रहे हैं पेड़ों के पीछे वाइट दरवाजा, वो उस जमाने की प्रिंटिंग प्रेस है, राजस्थान की पहली प्रिंटिंग प्रेस है, तो छापा खाना है एंडिंग ऑफ द 19 बिल्डिंग होता तो सही है, जैसे पेड़ खत्म हो रहे हैं सीढ़ी हैं बहुत सारी वो जमाने की रॉयल जेल है, रॉयल जेल मतलब परिवार से कोई राजा का तो ये दीवारी है 1 किलोमीटर के अंदर जिसमें 37 बुर्ज बना हुआ किला, जैसे इंग्लिश में पवेलियन कहते हैं, बहुत टावर का काम करते थे ग्राउंड नेम इसी टाइप का है ना, है नीर में है ना, हां वो पुराना है, आपको पता है वो 10 साल वो लगभग 290 या अराउंड बस वो 10 साल पुराना है, उससे ज्यादा 290 में है, बहुत ही खूबसूरत ये झूला लगा है, चंदन की लकड़ी का बना झूला है, जन्माष्टमी के दिन इसको काम में लेते हैं, भगवान कृष्ण की मूर्ति रखकर महाराज जी को झूला चलाते, और जब भी झूला चलाते तो साइड की जो गोपी सुनी हुई है ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है सिंगल वायर से, टेक्निकल और जब झूले को चलाते तो ये सारी गोपी नाचने लग जाती थी ऊपर नीचे, हाँ तो ये मैकेनिज्म काम है, देखिए अवतार से जुड़ी हुई है सभी एक दूसरे, और ये रानी का बेडरूम है देखिए बहुत ही खूबसूरत, जो बेड है ये विंडो है सामने दरवाजा है, ये बेड देख रहे हैं बेड के पाए जितने भी है हाथी के दांत के बने हुए, साथ में चांदी का काम है, और छत पे पूरा लाख का काम है जिसकी चूड़ी बनी है, ये अलग से ग्रह महाभारत में सुना होगा या इस किले के अंदर लाख का काम है, बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है लाख का काम, और ये सारा इन लेवर है, ये सारी सब लकड़ी की सारा रेनोवेशन हो रखा है, हमारा काम करवा रहा है, तो
ये राजा का बेडरूम है, देखिए बहुत ही खूबसूरत, इसको सिक्स महल कहते हैं। रात को प्रोग्राम होता है, ये तीनों दरवाजों से कनेक्टेड है रानी के बेडरूम के साथ, और इनसे कनेक्टेड है। बेड ऐसे छोटे और लो यूज करते थे सेफ्टी के लिए, ताकि उसमें कभी भी बैठ के नीचे सुखे करें। राजा जब भी होते हैं तो घुटनों से पैर बाहर बांध दो, किसी ने सोते हुए तो रस्सी से बांध दिया, पैरों का नीचे सपोर्ट मिल जाता है, उनके बेड के साथ में लेके खड़े हो सकते थे और अपनी जान बचा सकते थे। इसी के ऐसे छोटे हल्के दो बेड यहाँ पर ऐसी घटना हुई थी। एक बार जोधपुर के राजा थे रावदुनिया जी, जिनको जो उनका मर्डर कर दिया था, वो नीचे छुपके रह गए और उन्हीं के साथ में सारे बांध के मर्डर कर दिया। तो राजा जगे जग तो गए लेकिन हिल नहीं सके। उसके बाद इंसिडेंट लेके हम छुटे और लोग पौधे जो कलरफुल ग्लास है, हाँ उसमें भी है, क्या कहते हैं अभी जोधपुर वाला कहते हैं, हाँ उसमें भी फूल बैठे हैं। ये सारा लाल का ये नवीन बेडरूम का दरवाजा है। अच्छा ये सब बेडरूम का दरवाजा है, अच्छा अच्छा भी गर्मी ज़्यादा अभी जो रात के टाइम कुछ होते थे, उसके चारों दिशाओं में खिड़की है, तो हवा नेचुरल सॉफ्ट था और छत जो देख रहे हैं हम लकड़ी की बना रखी है तो बहुत ही पतली होती थी, रात को जल्दी ठंडा हो जाता था। स्पेशली इसको विंड पैलेस कहते हैं, सर्दियों के अंदर कम यूज करते थे गर्मी का छत, वही है सारा पेंटिंग का काम होता है लकड़ी के, और वो पंखा लगा हुआ देख रहे हैं रेड कलर का कपड़ा लकड़ी का बना, उसकी रस्सी विंडो से नीचे बैठा रहता है डॉक्टर उसको कूल करता है, और जो सामने छत पे ग्लास लगे उस पर सीढ़ी रखी है तो कैमरे का काम करता था। जो भी आदमी यहाँ से सीढ़ी से ऊपर जाता है राजा उधर सोते हुए देख लेता था उसको फोन आ रहा है। तो पहले के ज़माने में कांच का इतना यूज़ था एज ए सिक्योरिटी, एज ए रिफ्लेक्शन, तो बहुत ही मल्टी यूज़ था, इसीलिए पुराने ज़माने में कांच का ज़्यादा यूज़ करते थे। अभी सारा रेस्टोरेशन काम चल रहा है इसलिए बंद कर रखा, वरना सिटी व्यू था यहाँ तो ऊपर से देखने के लिए प्रिंटरों के लिए अलाउड था। अभी 3 साल से काम चल रहा है पूरा टाइल का, तो बंद है अभी। पेंटिंग का काम देख रहे हैं, और छत है तो बहुत ही खूबसूरत तकरीब है।
हाँ ये ओरिजिनल ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, वो उनकी पेंटिंग। और इनके एक किले के सामने बहुत बड़ा स्टेच्यू है, तो देखिए वो सामने जो फोटो देख रहे हैं मार्बल का बना स्टेच्यू है। प्रजा ने प्रजा के प्रति बहुत इनका विश्वास था और प्रजा बहुत मानती थी, तो इनकी मृत्यु के बाद प्रजा ने वो स्टेच्यू बनाया बहुत ही खूबसूरत मार्बल का महाराजा चंद्र सिंह जी का। और सब एक पूरी लकड़ी की है, ठीक होगी उसकी की है, नंबर ऑफ रिंग्स यूज करते थे, डेकोरेशन भी देते थे, पंखा लगाते थे, लैंप आइटम पेपर आइटम, तो बहुत ही रिंग्स यूज करते थे। ये सारे मौके थे स्टोरेज के लिए, तो एक जैसी पेंटिंग करते थे पता ही नहीं चलता है, यहाँ स्टोरेज है तो वेपन्स रखते, कोई भी सामान रखते हैं, तो हमारी एकल ये जो देख रहे हैं गैलरी के ऊपर सारा स्टोरेज सिस्टम है। हाँ, और ये ग्लास रिफ्लेक्शन भी है। ये राजस्थान की सबसे पहली लिफ्ट है, महाराजा गंगा सिंह जी इंग्लैंड से लेके आए थे 1914 के अंदर, जब लाइट आ गई थी उसी टाइम राजस्थान में ये पहली लिफ्ट लेके आए गंगा सिंह जी। गंगा सिंह जी सबसे मॉडर्न राजा थे, जैसे मैंने आपको बताया कलयुग के भागीरथी हुई उन्हीं को कहा जाता है गंगा सिंह जी को। तो पानी, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मॉडर्न जितने भी काम हुए शहर के लिए बीकानेर के, तो ये सारा गंगा सिंह जी ने करवाया था। इंडिया के सबसे मॉडर्न राजा और सबसे एक्टिव राजा थे। जीवन आपकी वर्षा की जो संधि हुई थी ट्रीटी ऑफ द वर्षा 28 जून 1919 के अंदर फ्रांस और जर्मनी के बीच में, तो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने गंगा सिंह जी गए थे, तो इतना उनका चलन था कि सबसे आगे फॉरवर्ड थे और बहुत मॉडर्न और डिप्लोमेटिक किंग थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। आप लोग भैया उस गाइड को सुनो पीछे आ रहा, तो वो गाइड है ना, वो गाइड है। आप लोग भैया सब सारे वो पीछे गाइड आ रहा है उसको सुनो, मेरे साथ सुनोगे पैसे लगे, पहले ही बताया प्राइवेट गाइड टीचर है पढ़ाने वास्ते पैसे ले रानिया प्रोग्राम देखती थी, नीचे दरबार लगता था गंगा सिंह जी का दीवान यहाँ, तो नीचे एरोप्लेन है, पालकी है, सिंहासन है, हम लोग जाएंगे नीचे। तो ये टिपिकली ये जाली इसलिए बनाते हैं ताकि क्या है नीचे के लोग रानी को देख नहीं सके, तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे इसके जब तक लेवल में नहीं आओ ना आप तब तक आर पार दिखता नहीं है। और ये फ्रंट व्यू देखिए बाहर का, ये हॉल थोड़े बड़े रखे थे ताकि वेंटिलेशन मिले और सब लाइट मिले, ये सारा कार पार से जो है इजी आ जाता है किले के पार्ट। ये सारे अब स्लाइडर रोड वगैरह आ गए, तो मतलब ये गंगा सिंह जी के टाइम पर स्पीड आ गए, तो ये नए जमाने के अब ये लगभग 20th century के पार्ट है, ये मूवी का लग रहा है पुरानी मूवी में रहता था। हाँ, तो मूवी में आपको बताए पुरानी जितनी भी देखोगे क्षत्रिय द्रोणा नायक देखो तो मनी कन्या की झांसी की रानी वो शूटिंग हो रही है, उससे पहले खूबसूरत स्वर्ण पत्थर वाली यही भी है। बीकानेर के 23वें महाराजा थे डॉक्टर पैनी सिंह, पीएचडी की वजह से डॉक्टर लगाते और चार बार यहाँ से पीएचडी पहले ट्रेंड भी रहे, तो जब भी एमपी के नाम सुनते तो लोगों ने उनको बधाई पत्र दिए हैं, या उनका जब भी जन्मदिन रहता तो पब्लिक उनको बधाई पत्र देती थी, सारा अभिनंदन करता। और 5 बार इंडिया के लिए ओलंपिक खेले थे शूटिंग के, और इनके नाम से दिल्ली में आर्मी करनी शूटिंग रहते डॉक्टर कर्णी सिंह स्टेडियम के नाम।
ये देखिए राजगढ़ से मिला हुआ सरदार शहर से ये आपके गंगानगर साइड का गंगानगर का है ये लेने वाला गंगानगर हमारे साइड से है वादरा का भी नीचे क्या करता हूँ नीचे किले का म्यूजियम तो पुराने हथियार है मशीन गन ताले तलवारें इंडिया में किसी अदर फोर्स में इतना कलेक्शन नहीं है जितना इसके लिए करना है हाईएस्ट नंबर ऑफ वेपन्स है यहाँ लेकिन चीज बताओ जैसे राजा है राजा को एक रिलेटिव आ गया हाँ उसने कह दिया कि मैं मुझे पूरा किला घुमा तो वो क्या करता घुमाते घुमाते उनके एम्प्लॉय होते थे राजा जरूरी नहीं साथ में घूमते जो भी उनके जो खास मंत्री होते वो उनको अलग से टाइम देके फिर उनका विजिट रहता था स्पेशल और कभी भी रिलेटिव कितना भी आ जाओ कुछ चीजें ऐसी होती थी जो कभी भी रिलेटिव और खास लोगों को नहीं बता होती थी पूरा किला कभी नहीं निकला क्योंकि पहले के जमाने में क्या था घर का बिजली घर का डायलॉग तो जो युद्ध आते राजा उसमें मोस्टली कारण घरेलू घरेलू हर केस में यही है मशीन गन है मेड इन जर्मनी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिलीज की गई 1918 फ्रॉम बर्लिन ये बाले हैं ये पुराने कटार टाइगर्स है और ये उधर देखिए आप इसके अंदर तेरा टेंशन की ये पुराने चाकू हैं जिसके हैंडल देखो आइवरी के बने हाथी के साथ के उस टाइम में जो देख रहे हैं हाथी की दांत के हैंडल से वो बीकाजी का वेलकम करते हुए गोदारा दास तो बीकाजी जब आए लखनऊ से तो गोदारा दास ने अंगूठा काट के अपने ब्लेड से रात में किया तो उन्होंने राजा घोषित किया था बीकाजी यहाँ पे मोस्टली डार्क पॉपुलेशन का था गोदारा और सारण आपस में झगड़ा करते थे तो बीकाजी ने मदद की थी गोदारा की राजा ये देखिए आप बहुत ही हैवी तलवार बंदूक है जिसका वेट लगभग 25 किलो है ऊंट के ऊपर रख के चलाते थे फिक्स करते और वो 50 किलो वाली जो आती है फिक्स करते और ये छोटे छोटे गन पाउडर पाउडर इसके अंदर बारूद भर के रखते थे बारूद की टूपी है सारी और ये कुछ टाइगर्स ऐसे होते थ्री ब्लेड वाले पंच करते गन करते बाहर निकालते ये पुरानी तलवारें हैं बंदूकें हैं उस गिलास के आगे की हिस्ट्री रखा और वो निकले खून गर्म करने के ये हाँ तो ये गंगा सिंह जी के टाइम का बना हुआ थी बेडरूम है गंगा सिंह के वेपन आर्मी के वेपन लेकिन कुछ बहुत से बाहर के वेपन सारा फिक्स है सारा गन सेक्शन है पंखा देखिए आप मेड इन इंडिया का है ताले पहले से मौजूद है और वर्किंग है हां
ये ड्रेसिंग रूम था पहले राजा का, गंगा सिंह जी का, फिर म्यूजियम का पार्ट बनाया गया। तो ये देखिए अनूप सिंह जी की गन है, 4 मीटर लॉन्ग गन है, 12 फीट लंबी। लेकिन ये हाथी के होते पे पॉइंट होता तो आप फिक्स करके चलाते थे, और ये फायर प्लेस है आग लगा के रखते सर्दी के अंदर, साथ में चिमनी लगा रहे हैं वहाँ बाहर चला जाता। ये पुरानी डेकोरेटिव गन से देखे हाथी के नाम का नाम उनका कोई ज़्यादा यूज नहीं था, ये ऐसे ही रखते वगैरह देने के लिए। और ये रिवर्स वाली हमेशा कुत्तों पर यूज नहीं जाती थी, ये कंधे के नीचे आते ताकि मूव करे तो कम से कम फिक्स। और ये देखो आप गंगा सिंह जी का दीवाने खास है, सबसे खूबसूरत इंडिया में इससे बढ़िया आपको महल देखने को नहीं मिलेगा। इसको बनाने के अंदर 14 साल लगे थे, 14 ईयर 1923 से 1937, और लगभग 35 फीट हाइट है इसकी, लगभग 35 फीट नीचे का काम है, देखो पहले मार्बल का फिर सारा ये लाल पत्थर से खुदाई का काम है, और छत है जो लकड़ी की बनी हुई है। हाँ, और छत पे ये सैंडिले जो देख रहे हैं मुरानों से लेके आए थे, इसी में वेनिस के पास में जगह है मुरानों के पास, तो बहुत ही फेमस है गिलास और सैंडिले के लिए, सबसे महंगे सैंडिले वहीं के अंदर मुरानों। और ये कमल की लकड़ी का सिंहासन है, राठौर डायनेस्टी की सबसे पुरानी चीज, जितने भी राजस्थान में राठौर क्लैन है ये ओरिजिनली कन्नौज से माइग्रेटेड है उत्तर प्रदेश, तो ये साथ में लेके आए थे जब जोधपुर आए, तो आप देखिए इसमें मेंशन है कन्नौज को मारवा, मतलब वहाँ से बीकानेर जोधपुर, जोधपुर से फिर बीकानेर आए थे, बीकानेर जो वहाँ से आए थे सिंहासन के साथ में लेके आए, वहाँ की फोटो में जो हाँ वही सिंहासन है, और इसका काम देखिए नकाशी देखिए बहुत छत होते हैं, बिल्कुल वो देखिए आपको हैवी आर्मर है, उसका वेट है 56 किलो 56 किलो का जाता तो पहन के जाता है। और साथ में देखिए जो हाथ रखा हो ये खुजली करने के लिए काम में लेते, ये जो आर्मर पहनते तो खुजली आपकी शरीर में हाथ से होती नहीं थी, तो उसके लिए स्पेशल बैक स्ट्रैप जो आज के टाइम क्लास के वाले बच्चे गुजार करते हैं। खुदाई का काम देखिए बोलते हैं भगवान की रास लीला बनाई है, हाँ ये भी सारा आप देखिए आर्मरी है, चेस्ट का हो गया, हैंड हो गया, हेड का हो गया, इसके नीचे भी वैसे ही आर्मर है चैन में, जो नीचे से चैन में दिख रही है आपने बहुत ही हैवी है, सूर्यवंशी हाँ सूर्य सिंपल है क्योंकि राठौर डायनेस्टी में आपको बताया ये सारा सूर्यवंशी है। सभी दरोदर पे मोस्टली विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हैं सबसे जो उन्होंने यहाँ पे चक्कर बना रखा है वैसे शक्ति में हाँ वही सब दिखाते हैं को लेते हैं, मुझे लगता है शक्तिमान ने वहीं से उठाया वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा एक और बताऊँ आपको अच्छी चीज, यहाँ के राजा थे लोनकन जी, जो कामराज ने सबसे बड़ा अटैक किया था हनुमानगढ़ तक आ गया था, गुरुमायू को बेटा था, तो वो सबसे बड़ा अटैक था बीकानेर पे, लगभग 4,000-5,000 सेना लेके आया था बीकानेर, उस टाइम इस्टेब्लिश हो ही रहा था, उनके पास इतनी सेना नहीं थी, लेकिन यहाँ के राजाओं ने ईमान से युद्ध जीता, यहाँ जितने भी बैल और गए थे उनके सिंहों पे मिसाले बांध के यहाँ पे रात रात हमला किया, तो उसको ये लगा बीकानेर से लाखों की सेना आ रही है, तो वापिस भागे वहाँ से रात में, हाँ तो रात तो रात भागे वहाँ से, और वो सीन आया बाहुबली के, हाँ बाहुबली में जी, ये बीकानेर की रियल घटना है इतिहास। और ये देखिए आप तीर तुक्के हैं, कहावत में कहा गया ना लग गया तो तीर नहीं लगा तो तुक्का, छोटे वाले तुक्के हैं ये, इस धनुष से चलते नहीं थे क्योंकि साइज में छोटे होते थे, उसके लिए पाइप आती थी जो आदिवासी यूज करते फूट मारने वाले,
फूंक मारने वाले से अपने को पता है टारगेट होता नहीं था, बीच में गिर जाती, तो वहीं से कहावत है लग गया तो तीर नहीं लगा तो तुक्का, तुक्के लगते नहीं थे, बाई चांस पास में फिर लग गया तो उसके आगे टॉप में पॉइजन लगाते थे जो भी एरो होते हैं आदिवासी वगैरह के। हाँ तो पॉइजन से आदमी मरता था नहीं कि इन तीर टुकों से, इनसे घायल हो सकता था किसी को टुक्का लगे। हाँ तो आगे बढ़ो, टुक्का भी मतलब होता है चीज ऐसी नहीं है, लोग तो अभी तक टुक्का को ऐसे ही एज ए गैस लेते थे एज ए वर्ड की टुक्का मतलब गंगा सिंह जी को तीन गोल्ड मेडल दिए थे सोने के छोटे छोटे, तो ये तीनों मेडल्स की रेप्लिका है, उसी टाइम के बदले में फिर आजकल मनाए नहीं, काफी टाइम हो गया सर हमने जब से देखा लगे हुए, और ये 1957 जब गंगा सिंह जी ने 50 वर्ष पूरे किए थे राजा, तो उन्होंने गोल्डन जुबली मनाई थी, कितने साल तक उन्होंने टोटल 56 ईयर 1887 से 1943 बहुत ही यंग एज के राजा बने, ओनली 7 ईयर। तो ये प्रोसेशन निकालते फोटोग्राफी निकाले बाजार की कैमरों की और देखिए लग सामने चलते थे जमाने, ये आप होल्डिंग देखो वो जमाने की लक साबन को होल्डिंग 1937 एडवर्टाइजमेंट है। ऑफिस की पुरानी टेबल, टेबल पे यूज आने वाली चीजें हैं, और ये टिपिकली उनके टाइम का टेलीफोन है, इंटरकॉम, इंटरकम्युनिकेशन था, स्विच कर लेते रूम से रूम। गंगा सिंह जी की मुझसे बड़ी बड़ी थी तो सूप पीने की स्पेशल चांदी का चम्मच बनाया था हाफ कवर, जिससे सूप पीते तो मुझसे खराब नहीं होती, वो चम्मच आगे देखेंगे ये कुछ मेडल से उनको मिले। ये चम्मच है देखिए आप, दोनों तरफ से खुला है, बीच में ऐसे लेयर है, तो मूंछ के नीचे आ जाता लेयर और मूंछ से ऊपर आ जाता है, वो उनके शिकार है, सूप ग्लास है, रेडियो है, बोतल है, बैग है, ये सब गंगा सिंह जी के पुराने आइटम। और सब देखिए कितनी खूबसूरत वुडन है, आकाश देखिए। और ये फर्नीचर सारा गंगा सिंह जी इंग्लैंड से लेके आए थे 1930 के अंदर, लगभग 90 साल पुराना है। डाइनिंग टेबल, सोफा, मिनी बार, तो टिपिकली इंग्लिश फर्नीचर है। अभी वैसे वैसे हाँ मेंटेन है सर। और ये 1930-31 के अंदर फर्स्ट इंडियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी थी आज़ादी के लिए, तो जिन जिन राजाओं ने भाग लिया उनकी डिजाइन बना रखे हैं, कार्टून देखिए आप बीकानेर के महाराजा थे इसमें, गांधी जी सेकंड में थे, नेहरू जी थर्ड में थे, ये फर्स्ट इंडियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये गंगा सिंह जी मुनि गए थे अपनी बेटी की इलाज के लिए, उनकी बेटी को चांद को पैसा तो टीवी था, इलाज हुआ नहीं था, उनकी गैस हो गई, तो उन्होंने कहा बंदा कहाँ जाएगी, तो नॉर्थ इंडिया का पहला टीवी हॉस्पिटल बीकानेर पूरे नॉर्थ इंडिया का, और राजस्थान का सबसे बड़ा कैंसर ट्रीटमेंट बीकानेर आज भी, सबसे पहले सबसे पहला और सबसे बड़ा आज भी राजस्थान की स्टेट थी वो रियासत एकता हुई थी, तो यहाँ के राजा भी बहुत फेमस थे, राव जैन थे जिनसे अंग्रेज भी डरते थे, तो कहानी है ना रॉयल्स रॉयल वाली, इनको डिलीवरी देने से कंपनी ने मना कर दिया था कार, तो इन्होंने दूसरे एड्रेस से मंगाई और 16 गाड़ियों को म्यूनसिपल में लगा दिया लाके, तो कचरा ढोने के लिए, तो मैगजीन में छप गया था कचरा ढोने वाली वर्ल्ड में गाड़ी हो गई, तो पूरी सेल गिर गई थी, कंपनी ने लिखित में माफीनामा मांगा और गाड़ियां लेके गई, तो राजा जैन जी थे यहाँ। ये गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का जहाँ बाहर आना जाना था सिप के दौरान, ये गंगा सिंह जी उनके बेटा उनके बेटी के साथ फोटो, ये देखिए महाराजा डूंगर सिंह जी और गंगा सिंह जी दोनों स्टेप ब्रदर थे,
डूंगर सिंह जी का कोई लड़का नहीं था और उनको पैरालाइज का दौरा पड़ा तो छोटे भाई को अडॉप्ट करके राजा बनाया, तो इसीलिए यंग एज के अंदर राजा बने थे गुंडा सिंह जी। ओनली 7 ईयर, 7 साल की उम्र में राजा बने थे। और इसकी पूरी स्टडी हुई थी मेयो कॉलेज, फिर मेयो कॉलेज से दिल्ली में कॉलेज यूनिवर्सिटी चले गए, फिर अलेक्सा ग्रेस थे इनके टीचर जो इनको इंग्लिश पढ़ाते थे। ये साउथ इंडिया से लाभ की प्राइम मूर्ति है भगवान। लास्ट पार्ट है इसको विक्रम विलास कहते हैं, गंगा सिंह जी का दीवाने आम दरबार लगता है, फिर ये सारी चीज़ें डिस्प्ले करके म्यूजियम बनाएंगे। ये जो एरोप्लेन देख रहे हैं DS-9D हैवीलैंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको यूज़ किया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। जैसे वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो उन्होंने गंगा सिंह जी को ये गिफ्ट के अंदर दिया था, पीसेस का अंदर लेके आए उन्हें ला के पास ये एज ए सोविनियर ट्रॉफी है, कभी इंडिया में उसको उड़ाया नहीं है इंडिया में। और ये टिपिकली जो देख रहे हैं हाथी का होदा है, सेडल फॉर एलिफेंट, हाथी पर रखकर सवारी निकालते हैं, ये उनके द्वारा शिकार के लेपर्ड्स है, जो स्किन ओरिजिनल है, अंदर मसाला भरा होता है, रियल स्किन है दोनों लेपर्ड्स। और ये टिपिकली सिंहासन है महाराजा गंगा सिंह जी का, यहाँ बैठ के दरबार लेते हैं। और वो उनका पीछे रॉयल फैमिली का बनोगरा है, बीकानेर का दो टाइगर देख रहे हैं, 3 ईगल है, बीच में फेदरी है और जय जनरल दरबार से। बीकानेर के महाराजा थे करण सिंह जी, जिनको सभी राजपूताना के राजाओं ने उपाधि दी थी जय जनरल दरबार से, तो इसीलिए उनके नीचे मोनोग्राम में लिखा था जय जनरल दरबार से। मेरी शेर वगैरह एक मारते थे। हाँ शिकार तो राजा लोग करते थे, किधर करते थे अपने इधर था क्या? हाँ जैसे बीकानेर था नहीं, लेकिन माउंट आबू लेपर्ड वगैरह जाते गिर जाते थे गुजरात, इवन आपके साउथ इंडिया जाते थे काजीगंगा राइनासोर मारने के लिए, साउथ अफ्रीका जाते थे वहाँ पे रणथंभौर वगैरह में। हाँ बिल्कुल है, रणथंभौर का भी है, ये पालकी है, ये टिपिकली गंगा सिंह जी का हाथी का होदा है, हाथी पे रखकर सवारी निकालने के लिए GS लिखा हुआ उनके नाम से, ये उनकी पालकी है, ये कुछ फ्लिंट लॉक गन्स है देखिए आप उनके टाइम में पालकी चलती थी। हाँ चलती थी ना, हाँ तो गए, लेकिन ये भी एक शौक था। ये देखिए आप पुराना हाथी का होदा, ऊंट का, हाथी का, ये जो पेंटिंग देख रहे हैं आप महाराजा करण सिंह जी की पेंटिंग है अफगानिस्तान की, जहाँ पे औरंगजेब अपने रुमाल से उनके जेब पे जो लगी हुई मिट्टी वो हटा रहा है, तो ये पूरा बीकानेर का इतिहास है फोटो पेंटिंग है। और ये सेकंड नंबर जो देख रहे हैं पेंटिंग, यहाँ के राजा थे अनूप सिंह जी, जिन्होंने गोलकुंडा फोर्ट जीता था हैदराबाद में, 3 दिन के अंदर किला जीत लिया था साउथ इंडिया। राजपूताना के सभी राजाओं को धर्म परिवर्तन के लिए ले जा रहे थे औरंगजेब के लोग, तो बीकानेर के महाराजा करण सिंह जी ने उनका विद्रोह किया और नाव के टुकड़े किए और सभी राजाओं को धर्म परिवर्तन से वापस बचाया, तो इसीलिए सभी राजपूताना के राजाओं ने उनको उपाधि दी जय जनरल दरबार था, तो उनके मोनोग्राम के नीचे लिखा होता है, तो वो पेंटिंग है राव महाराजा करण सिंह जी नाव के टुकड़े के थे। जब औरंगजेब को पता लगा तो उन्होंने औरंगजेब ने इनको षड्यंत्र रचना मारने के लिए अपने दरबार के अंदर बुलाया, तो इनके साथ इनके बेटे पदम सिंह, केसर सिंह, अनूप सिंह जी गए, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई हाथ लगाने की और औरंगजेब ने इनको एक अलग से रियासत दी साउथ इंडिया के अंदर करणपुर नाम से दोस्ती करने। और फिर आगे तो पेंटिंग देखने महाराजा राय सिंह जी की है, लेकिन मोहम्मद मिर्जा का वध करते हुए, गुजरात का गवर्नर था मोहम्मद मिर्जा, उसका वध करते हुए महाराजा राय सिंह जी भी कहने के सबसे राजा गवर्नर मारने के लिए गए वहाँ पर, गवर्नर बड़ा सा होता था वहाँ, और वो आपको मैंने बताया पदम सिंह जी ये इंग्लिश वकील है, ये हाथी का होता है शिकार के लिए उसका प्लान है, और वन पाल की रानियों के लिए
ये देखिए फैमिली ट्री है। सबसे पहले राव बीका जी जिनको करनी माता जी का आशीर्वाद मिला था, तो उन आशीर्वाद से बीकानेर शहर की स्थापना की। तो वहाँ से देखिए डायनेस्टी ऐसे चली, बीका जी, नेहरू जी, लूणकरण जी, जैत जी, कल्याण, ये पांच राजा पुराने शहर के अंदर रहे। वहाँ पे पुराना किला बनाया था, राती घाटी फोर्ट के नाम से जाना जाता है। अभी राव बीका जी की टेकरी भी वहीं पे है। तो उसके बाद छठे राजा राय सिंह ने इस किले को बनाना शुरू किया था। तो राय सिंह जी से लेके फिर दलपत सिंह, सूर सिंह, करण सिंह, अनूप सिंह, स्वरूप सिंह, सुजान सिंह, जोरावर सिंह, गज सिंह, राज सिंह, प्रताप सिंह, रतन सिंह, सरदार सिंह और डूंगर सिंह, 20 महाराजा, फिर 21वें गंगा सिंह जी, फिर उनके बेटे साधु सिंह जी, साधु सिंह जी और कन्नी सिंह जी, दोनों भाई नहीं है। गंगा सिंह जी के बेटे साधु सिंह जी और उनका बेटा कन्नी सिंह जी, तो पोता और हो गया, बेटा हो गया। कन्नी सिंह जी 5 बार MP रहे, यहाँ से 5 बार ओलंपिक खेले, और इनकी वाइफ आज भी जिंदा है जो राजमाता है बीकानेर की, सुशीला कुमारी जी, 95 ईयर ओल्ड है। उन्हीं का ये किला है, प्रॉपर्टी उन्हीं की है, चेयरमैन वही है, तो प्राइवेट ट्रस्ट है ये, तो टोटली फैमिली है। लास्ट राजा की फोटो नहीं है क्योंकि उनकी डेथ 2003 के अंदर हुई है, नरेंद्र सिंह जी की। तो अभी उनकी बेटी है जो बेटी सिद्धि कुमारी जी, यहाँ से विधायक है बीजेपी से, तो अपने दादी के साथ रहती है, दादी मतलब कन्नी सिंह जी की वाइफ, तो अभी दादी और पोती है अपने परिवार का, तो कोई राजा नहीं है। तो टोटल 24 राजा है। यहाँ का बहुत ही फेमस फील होता है गणगौर, तो गणगौर सवारी की फोटोग्राफी, किले से आज भी सवारी निकलती है, भी गणगौर में आते हैं। हाँ बिल्कुल, वही परंपरा है सारी जिंदा अभी, वो फिर आती होगी ना जो राजा वगैरह की, रॉयल लोग आते हैं फिर वो रॉयल प्रोसेस से निकलता है। आपसे Thank you.